अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, और आप सब खैरियत से हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा चार काम है, ये हमने धोकर पहले से ही चारपाई पर डाल दिया था पानी सोखने के लिए। अब हम यहाँ पर इसकी अचार की तैयारी करेंगे। पहले हमने इन्हें धो लिया, उसके बाद इन्हें सुखा लिया, सुखाने के बाद हमें फिर हमें इन्हें काट कर इन्हें पूरी रात के लिए टांग देंगे नमक लगाकर। ये हमने पूरी रात के लिए इन्हें टांग दिया था पानी निकलने के लिए। तो नमक का जितना पानी था निकल चुका, अब हमने यहाँ पर धूप लगाने के लिए इसे डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा खट्टा मीठा अचार है। यहाँ पर हमने 2 से 3 घंटे हमें इसमें धूप में डालना है, इसे ज़्यादा नहीं सुखाना, क्योंकि जितना हरा कच्चा अचार होता है इतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने सारे खड़े मसाले, मोटे मसाले डाले हैं इसमें। हमने थोड़ा थोड़ा सा सारे मसाले रोस्ट कर लिए थे, जैसे मोटा धनिया, जीरा, मिर्च, सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने इसे एक टब में कर लिया है अचार को। आप मेरी सासू माँ आप मम्मी इसमें टब में करके शुरू में इस पर लगा लेंगे तेल अच्छे से, क्योंकि फिर सारे मसाले भूल जाएंगे। हमारे मोटी मिर्च हैं, ये जीरा और काली मिर्च, ये है सौंफ, मेथी, कलौंजी, मोटा धनिया और हींग, हल्दी और नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, क्योंकि हमने सारी घर पर ही पीसी है, कुछ भी नहीं पिसा हुआ नहीं है। सब कुछ पहले हल्के हल्के इन्हें रोस्ट कर लिए थे, फिर उसके बाद हमने इन्हें सारे मिक्सी के जार में हमने थोड़ा थोड़ा पीस लिया है, क्योंकि थोड़े रोस्ट कर लेते हैं ना तो उससे करारे हो जाते हैं, बहुत अच्छे से पीस जाते हैं, परेशानी नहीं पड़ती। क्योंकि जो मोटे अचार होते हैं खड़े, मोटी मिर्च और मोटे मसाले का जो अचार होता है उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने सारे खड़े मसाले ले लिए थे। यहाँ पर हम इसे इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमारा अचार हो जाएगा तैयार। पूरे साल के लिए अचार बनता है हमारा ये, तो ये कच्चा अचार है बहुत अच्छा। और हमें नमक अपने स्वाद अनुसार ही रखें, क्योंकि वैसे तो नमक थोड़ा खुला हुआ ही अच्छा लगता है अचार में, कम नमक नहीं अच्छा लगता। ये हमें अच्छे से मिला रही हैं अचार। ये देखिए आप अच्छे से मिला रही हैं, ये अच्छे से मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें और थोड़ा सा तेल डालेंगे अभी। यहाँ पर अच्छे से इसे मसाले मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर हमें डालनी है इसमें तेल। तरीके से जब भी अचार डालें आप ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा, बहुत ही मज़ेदार। एक बार खा के देखिएगा और बताइएगा कि इस तरीके से डालना और खा कर बताना कि आपको ये अचार हमारा कैसा लगा, क्योंकि इस तरह से अचार डालते हैं तो बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा लगता है और सबको पूरे परिवार को बहुत पसंद भी आएगा। सालों साल खाओगे खराब भी नहीं होगा। ये अब हमारा अचार हो चुका है तैयार। इसे अब हमने कर लेना है इसे में, इसे अच्छे से नीचे तक, मतलब ऐसे उबरा भी नहीं भरना, इसे अच्छे से दबाना है जिससे हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगती है तो उससे ख़राब भी हो सकता है, इसीलिए इसे अच्छे से दबाए दबा कर और अचार इसमें कर दें, क्योंकि अच्छे से दबाएंगे तो हमारा अचार और भी बढ़िया हो जाएगा। हमारा आज दही आम का अचार है, क्योंकि हमारा परिवार अच्छा है, मतलब सबके लिए डाला है अम्मी ने, मैंने भी है, ये भी है और सबके यहाँ हो जाएगा, इसलिए हमारा अचार इतना डला है कि सब खाएंगे पूरे साल। ये आप जरूर डालें और बताएं अचार आपको कैसा।
हमारा अचार हो चुका है तैयार।